हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शाही पनीर बनाने बता रही हूँ, जो कि बिना अमूल क्रीम के। उसकी जगह हम ये दूध, थोड़ी मलाई डाल के है, इसे डालेंगे। ये प्याज ग्राइंड किया हुआ है, टमाटर की ग्रेवी, हरा धनिया, चीनी, शिमला मिर्च काटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, काजू, किशमिश, साथ में ये पनीर। और खड़े मसालों में मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, दो लौंग, दो हरी इलायची, ग्राइंड किया हुआ अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट बना के रखा है। चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे बनाएं शाही पनीर। मैं ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेज पत्ता डालूंगी, ये दो लौंग डालूंगी, साथ में इलायची डाल दूंगी, ये हरी इलायची डाल, इसको अच्छी तरह 2 मिनट भूनूंगी। ये जीरा डाल दिया, थोड़ा ब्राउन हो गया, ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल, इसे अच्छी तरह भूने, हरी मिर्ची डाल। थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने के बाद ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल, टेस्ट के लिए कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल। अब थोड़ा भूनने दें, प्याज थोड़ा लाल हो गया, अब 1 चुटकी हींग डालूंगी। डाल दें, एक चम्मच गरम मसाला डाल, अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए प्याज ब्राउन हो गया, अब हम इसमें ग्राइंड की ग्रेवी, टमाटर की डाल दें। अब 1 चम्मच नमक डालें, टमाटर अच्छी तरह नमक डालने से भून जाएंगे, इसे जब तक पकने दें जब तक ये तेल ना छोड़ दे। 3-4 मिनट इस ग्रेवी को पकने के लिए लगेंगे। ये देखिए प्याज की ग्रेवी, टमाटर की अच्छी तरह भून गई है। अमूल क्रीम की जगह मैं ये मलाई वाला दूध 1 कप डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह 5 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए आपस में मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए आपस में ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम 5 मिनट पकाएंगे। अब मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूंगी, अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसे भी 2 मिनट पकने के बाद मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी। शिमला मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं, वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, इसे 2-3 मिनट और पकने दें। देखिए ग्रेवी थिक हो चुकी है, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। किशमिश और काजू की साथ में डालूंगी, मिक्स करूंगी। चलिए हमारा शाही पनीर तैयार हो गया है,
गर्मा गर्म सर्व करते हैं और गार्निश करेंगे हम धनिये के साथ। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।